अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बचे हुए दाल का परांठा है और हरे लहसुन की चटनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पराठों के लिए मैं हरा प्याज इस तरह से काट ली हूँ बारीक बारीक सा, और हरी मिर्ची। और यहाँ पर पहले चटनी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हरा लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक। इन सबको अच्छे से मिक्सी में डाल लेते हैं। सारे अच्छे से वॉश किए हुए हैं और ये थोड़ा सा अदरक जाएगा इसमें। अच्छे से इसको कट करके डाल देंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़ीरा, और यहाँ पे जाएगा दही। इसमें पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, इसको इसी तरह से ग्राइंड करेंगे। ये दही के साथ अच्छे से पिस जाएगा। अब मैं 1.5 चम्मच के आसपास दही डाली हूँ, इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे चटनी हमारा पिस चुका है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना अगर हरा लहसुन मिल रहा है तो। ये देखिए, हमारा चटनी रेडी है। ये कितना टेस्टी लग रहा है, कलर देखिए कितना खूबसूरत है। अब चलिए चलते हैं पराठे बनाने के लिए। ये हमारा दाल है, ये कल का दाल बचा हुआ फ्रिज में रखा हुआ था। ये देखिए, पराठे इसी से मैं बनाऊंगी, जो कि बन के बहुत ज़्यादा टेस्टी हो तैयार होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे ले ली हूँ मैं आटा, जितना दाल है उस हिसाब से आटा लेंगे। यहाँ पे पानी का कोशिश कीजिए कि कम से कम इस्तेमाल हो। ये हरा प्याज है, उसका हरा हिस्सा और वाइट वाला हिस्सा मैं अच्छे से बारीक कट कर ली हूँ, और हरी मिर्ची है उसके साथ। इसमें अब डालेंगे कुछ मिर्च मसाले। ये गया लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा मैं डाली कुटी हुई मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे जा रहा है ये कसूरी मेथी। इसको अच्छे से इस तरह हाथों से क्रश करके डाल देंगे। ये पराठा बनके बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है। आप इसको सुबह के नाश्ते में बनाएं या फिर रात के डिनर में, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पे डाले थोड़ा सा तेल, रिफाइंड तेल। इसको अच्छे से हाथों की मदद से मसल मसल के इसको मिक्स कर लेंगे पहले आटे में। ये देखिए, यह दाल, इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि डालने में आसानी हो। इन सारी चीज़ों को आटे में, जो भी हम लोग मिर्च मसाले ऐड किए, इन सबको हाथों से मसल के इस तरह से हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा दाल डालकर इसमें आटे को गूंद लेंगे, जिस तरह से पानी के साथ हम लोग आटा गूंदते हैं ना, उसी तरीके से दाल के साथ हम लोग आटा गूंदेंगे यहाँ पे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा दाल डाल के अच्छे से आटे को मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं लास्ट में 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल की थी। पानी ना के बराबर आप लोग इस्तेमाल कीजिए, तभी टेस्ट आएगा। ये देखिए, मैं बहुत थोड़ा सा पानी ली थी। और यहाँ पे हमारा आटा गूंद के तैयार है। ये देखिए, अब यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा तेल आटे में। तेल डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे आटे को। ये देखिए, इस तरह से गूंद लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम लोग इसकी रोटियां बनाएंगे, पराठे बनाएंगे। ये देखिए, हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैं लोई बना ली हूँ, मैं थोड़ा बड़े बड़े लोई बनाई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से बेल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती, और ये बन के बहुत टेस्टी होता है। आप चाहे तो इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। अगर रात दोपहर का दाल बच गया है तो रात में भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए, सूखे आटे लगा के इसको अच्छे से हम लोग बेल लेंगे। इसको मैं यहाँ पे रोटी से हल्का सा मोटा रखी हूँ। ये देखिए, हल्का सा मोटा है ये रोटी से। आप चाहे तो इसको रोटी की तरह भी बेल सकते हैं।
मैं यहाँ पे दूसरा बेल के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से बेल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती बेलने में और बनके तो बहुत टेस्टी तैयार होता है। आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। ये बचे हुए दाल का एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। ये देखिए हमारी दूसरी रोटी भी बनके तैयार है। इधर मैं इसको मीडियम आंच पे सेक रही हूँ, एक तरफ से सिक गया तो मैं इसको पलट के सेक रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी तरफ से भी सिक गया। आप चाहें तो इस तरह से रोटी की तरह भी बिना ऑयल का आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ। मैं दोनों तरफ से अच्छे से ऑयल लगा के सेक लूँगी। ये देखिए हमारा रोटी कितना खूबसूरत बनके तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी तो है ही है। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक पराठा तैयार हो गया। अब मैं दूसरा पराठा इसी तरीके से सेक लूँगी। ये देखिए मैं इसी तरीके से सारे पराठे को बना लूँगी फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में। ये देखिए मैं इसको अच्छे से सेक रही हूँ। आप लोग चाहे तो इसको बिना तेल लगाए हुए भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा पराठा बन के तैयार है ये। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं इसी तरीके से सारे पराठे बना लूँगी। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनता है बिल्कुल रोटी की तरह, और हेल्दी तो है ही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को पसंद आएगा, आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए मैं इसी तरीके से सारी रोटियों को बना लूँगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेटिंग्स। ये देखिए हमारा हरे लहसुन की चटनी और बचे हुए दाल के पराठे हरे प्याज के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सॉफ्ट बना ये पराठे, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ। चलिए चलती हूँ, फिर मिलूँगी किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक